हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। साल 2023 में देवशयनी एकादशी का पर्व 29 जून को मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी से जुड़ी कुछ गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं उन गलतियों के बारे में। जल ना चढ़ाएं। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है, इसलिए इस दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते ना तोड़े। एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। एक दिन पहले ही तोड़े तुलसी। देवशयनी एकादशी की पूजा में तुलसी के इस्तेमाल के लिए एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़कर रख ले। ना रखे गंदगी। एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के आसपास किसी भी तरह की गंदगी नहीं रखनी चाहिए। गंदे हाथ से ना छुए। एकादशी के दिन गंदे और झूठे हाथों से तुलसी को नहीं छूना चाहिए, ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। जूते चप्पल ना ले जाएं। एकादशी के दिन खास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के आसपास भी जूते चप्पल ना ले जाएं। काले कपड़े में ना करें पूजा। एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर तुलसी माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता आती है। तो आप भी देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ी इन गलतियों को भूलकर भी ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।